देश में चिकित्सा के क्षेत्र में एक अनोखी उपलब्धि हासिल हुई है। गर्भाशय ट्रांसप्लांट के बाद एक महिला ने पहली बार एक बच्ची को जन्म दिया है। पूरी दुनिया में यह इस तरह का 12वां और भारत का पहला मामला है। बड़ोदरा की रहने वाली मीनाक्षी जीवन में पहली बार संतान का सुख पाकर बेहद खुश हैं। मीनाक्षी की ये खुशी मेडिकल के क्षेत्र में हो रही उन्नति से मिली है। दरअसल पिछले साल मई में पुणे के एक निजी अस्पताल में उनका गर्भाशय ट्रांसप्लांट हुआ था। मीनाक्षी की मां का गर्भाशय उनको लगाया गया था। इसके बाद उन्होंने गुरुवार को पुणे के इसी अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। गर्भाशय ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद IVF तकनीक की मदद से मीनाक्षी गर्भवती हो पाई। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत वेट किया है इस दिन का भी हमने। अभी ये पूरा हुआ है तो ज़्यादा खुशी है। यहाँ आने के बाद अभी 1.5 साल में बच्ची का आगमन हो गया है। 1.5-2 साल में नहीं, तकलीफ तो कुछ नहीं है, बस अच्छा है सब। पिछले करीब 1.5 साल से इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे डॉक्टर भी इससे बेहद खुश हैं। डॉक्टरों का दावा है कि इस तरह की तकनीक से मां बनने वाली मीनाक्षी दुनिया की 12वीं महिला हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस तकनीक के इस्तेमाल से स्वीडन में 9 और अमेरिका में 2 बच्चों का जन्म हुआ है। गर्भाशय के प्रत्यारोपण में सिर्फ 11 लोगों को प्रेगनेंसी हुआ है। 9 स्वीडन के हैं, 2 यूनाइटेड स्टेट्स के हैं और 12वां चाइल्ड हमारा है, इंडिया का है। तो ये रेयर इवेंट है। ये इतना इजी सर्जरी भी नहीं है, इतना उसके बाद प्रेगनेंसी होना भी इजी नहीं है, लेकिन ये हम लोग ने अचीव करके दिखाया। हालांकि बच्ची का जन्म सिजेरियन तकनीक से हुआ है, इससे पहले मीनाक्षी को 3 बार गर्भपात हुआ था। इससे उनका गर्भाशय काम नहीं कर पा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। और डॉक्टर शैलेश पुरतांबेकर मेडिकल डायरेक्टर हैं गैलेक्सी केयर अस्पताल पुणे से हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा TV में। और देश में चिकित्सा के क्षेत्र में एक अनोखी और बड़ी उपलब्धि, गर्भाशय की दिक्कतों की वजह से जो महिलाएं संतान सुख नहीं पा पाती हैं उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप इसे कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा मेडिकल अचीवमेंट है क्योंकि 1978 में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी यहाँ पे हुआ था भारत में, और अभी 40 साल के बाद में अभी हम लोग ने जिसकी ओवरीज काम नहीं करती, ट्यूब्स नहीं काम करती, उसके लिए IVF का एक ऑप्शन था। बट जिसका गर्भाशय ही काम नहीं कर रहा, या जो लड़कियां अपनी गर्भाशय उनको जन्म से नहीं है और जिनकी गर्भाशय बहुत छोटी है जी। इन गर्भाशय ने होने के लिए 2 ही ऑप्शंस थे, एक तो सरोगसी था या तो एडॉप्शन था जी। तो हम लोग ने एक मेडिकल टेक्नोलॉजी से माँ का ही गर्भाशय बेटी में बिठाया और जिस गर्भाशय से उसकी बेटी का जन्म हुआ उसी गर्भाशय से आज उसकी पोती का भी जन्म हुआ है। और ये टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी महिला है जिनकी गर्भाशय की थैली ठीक तरह से काम नहीं कर रही और जिनका जन्म विदाउट गर्भाशय की पिछवी हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ा एक होप है, उसके लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। और गर्व की बात यह है कि स्वीडन में, US में और उसके बाद एशिया पैसिफिक में पहली बार भारत के पास एक बच्ची हुई है। इसके पहले किसी के पास भी बच्ची नहीं हुई है। हमको 17 महीने रुकना पड़ा, 8 महीने ट्रांसप्लांट करने के बाद वो एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट जी, भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, डॉक्टर्स के लिए अचीवमेंट है। और आज हमने दिखा दिया है कि हर कोई नई चीज जो होती है वो जो सिर्फ यूरोप और अमेरिका में नहीं होती, हम भी उतने ही कौशल है, हम उतने ही अच्छे है और उतनी ही जिद से अच्छी तरह से काम कर। बिल्कुल सर, चिकित्सा के क्षेत्र में भारत भी नित नए दिन कीर्तिमान गढ़ रहा है। पूरी दुनिया में 12वां और भारत में पहला मामला। आपसे ये समझना चाहेंगे कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये पूरा ऑपरेशन, ये पूरी तकनीक, ये पूरा प्रोसेस? बहुत चुनौतीपूर्व रहा। ये फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ अपनी इंडिया में होती है या कहीं भी होती है तो अपोजिशन तो बहुत ज़्यादा रहता है। पेशेंट का विश्वास मिलाना ये पहली चीज़ थी। मेरे दोनों पेशेंट जो मई 17 और मई 18 को हमने किए, दोनों ने पूरा विश्वास रखा, दोनों को माँ बनने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि उन्होंने बोला डॉक्टर हमको कुछ भी करो लेकिन हमको हमारे पेट में हमारा बच्चा पलना चाहिए। बस उनकी कॉन्फिडेंस से हम लोग ने चालू किया। 16 डॉक्टर्स की टीम थी, बिना कोई पैसे लिए, बिना किसी की अपेक्षा किए हम लोग ने 2014 से लेके 17 तक
ये इस टाइप का ट्रांसप्लांट करने के लिए टर्की और जर्मनी में जाके कैडेवर पे डिसेक्शन किया। 3 साल की कोशिश के बाद सतारा में हम लोग ने 16 डॉक्टर्स ने मिलके ये पूरी टीम की। करने के बाद बहुत इजीली सक्सेसफुल हुआ। हमने माँ का गर्भाशय का थैली दूरबीन से निकाला, वो दुनिया का पहली बार दूरबीन से निकाला हुआ ऑर्गन था जो बाद में बेटी में बिठाया गया। उसके बाद में आप हार्ट देखिए, लिवर देखिए या कोई भी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन 48 आवर्स में काम करना चालू कर देता है। हमारे को 48 दिन रुकना पड़ा पहली बार उसको मेंसेस आने के लिए, क्योंकि 48 दिन के बाद उसको पहली बार उसका यूट्रस चालू हुआ। उसके बाद 8 महीने रुकना पड़ा एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के लिए, और उसके बाद अभी 9 महीने 8 महीने रुकना पड़ा बेटी आने के लिए। तो इस दरमियान पूरी टीम का मॉरल रखना, उस दरमियान ये टीम को बताना कि हमको एक दिन सक्सेस जरूर आएगा, पेशेंट को ध्यान में रखना कि नहीं भाई तुमको बेटी तो जरूर मिलेगी, बेटा जरूर मिलेगा। सो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। सक्सेस तो अभी मिला है लेकिन सक्सेस मिलेगा इसका गारंटी नहीं था। और 17 महीने के बाद जब ये सक्सेस हमारे साथ आया है, आई थिंक हमारे लिए, अपने देश के लिए, हमारे सिर्फ डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लिए एक नया चमत्कार की वजह से ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन। बिल्कुल किसी चमत्कार से कम नहीं है। और धैर्य के साथ जिस तरह से पूरे प्रोसेस को आपकी पूरी टीम ने कर दिखाया, आप लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत शुभकामनाएं और बधाई इसके लिए आपको। कहीं ना कहीं उन महिलाओं के लिए एक आशा की नई किरण जगी है कि किस तरीके से अब वो भी संतान सुख पा सकती हैं। बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए आपका। थैंक यू।